43 में कायदे आजम को इत्तला मिली होगी किसी तरह के लाहौर में एक इतनी अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो फॉर सेल मौजूद है। तो उन्होंने काजी ईसा से कहा, जो हमारे जस्टिस फैज ईसा के वालिद थे, कि एक इस तरह की प्रॉपर्टी लाहौर में बिक्री है, आप जाके उसको विजिट करें, देखें, और अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे लिए खरीद लें। और उसके बाद उन्होंने एक ब्लैंक चेक काजी ईसा को दिया। उन्होंने इत्तला दी उनको कायदे आजम को कि मुझे वो पसंद आई है प्रॉपर्टी और मैंने आपके बिहाफ पे खरीद लिए। तो ब्रिटिश फौज ने उस पर कब्जा कर लिया और उसमें अपना एक मैस बना दिया। पाकिस्तान बनने के बाद वही जो प्रॉपर्टीज ब्रिटिश फौज की थी वो सारी की सारी पाकिस्तानी फौज की प्रॉपर्टी हो गई। उन्होंने ये सोचा होगा कि कुछ भी है तो मेरी ही फौज। लेकिन वो वहाँ पर एक दफ़ा गए 47 में और वहाँ पे उन्होंने एक कप चाय पी। ये रिकॉर्ड मिलता है कि उस पूरी जिंदगी में उस घर में उन्होंने सिर्फ एक कप चाय पीने की, और एक ही बार गए वो।